नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। 31 मार्च 2023 से गुरु अस्त होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु को लाभकारी ग्रह माना गया है, साथ ही ये सफलता, सौभाग्य और उपलब्धि के कारक ग्रह हैं। कुंडली में अगर गुरु शुभ स्थिति में है तो भाग्य हमेशा साथ देगा और जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं अगर गुरु शुभ नहीं है तो जीवन में कई तरह के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस साल लगभग एक महीने के लिए गुरु अस्त होने जा रहे हैं और ऐसे में इन एक महीनों में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है, खासकर किसी भी नई वस्तु, स्थान या रिश्ता शुरू करने को लेकर। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान आप अगर गुरु की स्थिति अपने कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी उपाय करके आप वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कुंडली में गुरु का अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है या गुरु के अस्त होने से आपकी कुंडली पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और कुछ जरूरी उपायों को अवश्य अपनाएं। गुरु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति और समृद्धि के लिए बहते हुए पानी में बादाम और नारियल पीले कपड़े में लपेट कर बहा दें। साथ ही पीपल के पेड़ को गुरुवार या शनिवार के दिन गुरु के बीज मंत्र या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जल चढ़ाएं। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, लड्डू, पीले कपड़े आदि दान करें। ऐसा करने से भी गुरु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर से कम होगा। आप चाहें तो केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक भी जला सकते हैं और आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय माता को भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही किसी धार्मिक स्थल पर स्वर्ण, हल्दी, पीले फूल या चने की दाल दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ परिवार की भी तरक्की होगी। गुरु अस्त के दौरान आप बृहस्पति का रत्न पोखराज भी धारण कर सकते हैं। अगर पोखराज रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो सुनेला भी धारण किया जा सकता है, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी परामर्श जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।